आपके साथ आयुषी शर्मा, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अजल क्षेत्र के लोगों को अब तहसील के कामों के लिए राजपुर नहीं जाना पड़ेगा। शनिवार को राजपुर अनुभाग के ग्राम पंचायत औझर में टप्पा तहसील के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद गजेंद्र सिंह चौहान ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान के समक्ष औझर को टप्पा तहसील बनाने का प्रस्ताव और इसके लिए शासन ने भी स्वीकृति दे दी। सांसद क्षेत्र के विकास और क्षेत्रवासियों को जनसुविधाएं मुहैया कराने के लिए सक्रिय प्रयास भी किए जा रहे हैं। सांसद ने क्षेत्रवासियों की ओर से की जा रही पुरजोर मांग को गंभीरता से लेकर शासन स्तर से प्रयास कर औझर को टप्पा तहसील घोषित कराया है और यहाँ प्रति शनिवार को अब तहसील लगेगी। स्थानीय लोगों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण अब औझर में ही होगा, उन्हें राजपुर ब्लॉक मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष विनय सोनी और गौरव शर्मा, रामस्वरूप मंगल, सरपंच संतोष किराड़े, पूरणमल गोयल, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपने तहसील टप्पे का शुभारंभ करा है पुनः, जैसे तो आपने बोल दिया अपने उद्बोधन में कि जो निरंतर चलता रहेगा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार का ये उद्देश्य है कि लोगों की सेवा के लिए सरकार काम करे, इसलिए कार्य का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण से अच्छा विकेंद्रीकरण में काम का विस्तार होता है। यहाँ से ओझर के कई लोगों को राजपुर जाना पड़ता है काम के लिए, तहसील कार्यालय हो, अन्य प्रकार के काम हो, इसलिए ये तहसील टप्पे की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। निश्चित तौर पर इसमें कुछ विलंब हुआ है, इसलिए हमने आज ये कार्य प्रारंभ किया है। हमने निर्देश करे हैं कि प्रति सप्ताह शुक्रवार के दिन लगेगा, महीने में एक बार SDM महोदय भी इसमें बैठेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का जो भी छोटा मोटा काम है वो सब जुड़ा हुआ काम तत्काल हल करें, उनके साथ राजस्व अधिकारी, पटवारी, RI वगैरह सब लोग उपस्थित रहेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं, हमारे समाजों के सब प्रमुखगण यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सभी लोगों के मन में खुशी है कि यहाँ से कुछ न कुछ समस्याओं का निराकरण होगा, ये हमारी सरकार का भी उद्देश्य है। ओझर के अलावा कितने लोग ग्रामों को लाभ मिलेगा? इस ओझर के आसपास जितने हमारे गांव हैं, समथिंग 20 से 25 गांव के आसपास यहाँ पर हैं जिनका लाभ इस कार्यालय से उनको मिलेगा। उप लोक सेवा केंद्र के बारे में भी बताया है अभी। निश्चित तौर पर उप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं और वो प्रस्तावित है, मैं उसको जल्दी स्वीकृत करा के उसको जल्दी हम शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर हम 1 महीने के बाद में उस कार्य को प्रारंभ कर पाएंगे। इस महीने शुरू अगले महीने से।